सीजन में हमने अपनी इस वेडिंग सीजन के लिहाज से हमने अपनी जो न्यू कलेक्शन है वो लॉन्च की है, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए इस्लामाबाद में और इसमें लोगों को एक्टिविटीज़ का मौका मिलता है, जैसे कि आप देख रहे हैं शो है और फैमिलीज वगैरह आई नहीं है। पेशावर में भी होने चाहिए, इस्लामाबाद में होने चाहिए, क्योंकि पेशावर और इस्लामाबाद की मार्केट तकरीबन सेम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जो लोग यहाँ पे काम करते हैं वो पेशावर से भी आकर काम करते हैं, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो भी पेशावर जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल करीब करीब है और मिलजुल के इसका काम करना चाहिए इस्लामाबाद के लिए। असल में इस तरह जो इवेंट्स हैं इस्लामाबाद पिंडी में जो इवेंट्स हो रहे हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इवेंट्स हो रहे हैं और इसी तरह इवेंट्स होने चाहिए लोगों को, मतलब न्यू फैशन जो है ना वो मतलब इस्लामाबाद पिंडी में ऑल ओवर पाकिस्तान में लेके आने चाहिए इस तरह जो इवेंट्स वगैरह। तो ये अच्छी बात है कि इस तरह ज़बरदस्त इवेंट्स होते हैं जो कराची है, फिर लाहौर है, फिर बाद में इस्लामाबाद पिंडी है ना। तो इस्लामाबाद पिंडी अब कराची के नस्बत ज़्यादा है। तो अभी पिशावर में भी मैं अभी दो तीन शोज कर चुका हूँ, मैं टीजे के साथ में आरिफ भाई के साथ में शोज कर चुका हूँ, माशाल्लाह अच्छे शोज वो लोग भी करते हैं। अभी उन लोगों को रिसेंटली भी एक शो आ रहे हैं पिशावर में, तो पिशावर में भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शोज अब स्टार्ट होने वाले हैं। यकीन है कि इंशाल्लाह कि पिशावर में भी इससे अच्छे इवेंट इंशाल्लाह होंगे। ये तो बहुत स्पेशल इवेंट है, रेजी शाह इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, मेरे बहुत ख़ास दोस्त है, मेरे और भी फ्रेंड आए। अभी रेम्बो वॉक स्टार्ट होगा और हम सब उसमें अभी आप लोग देखेंगे उसमें रेम्बो वॉक करेंगे। ये फैशन शो बेसिक हमारे जो हैं लोग उनको बताने के लिए एक मतलब क्लोथिंग्स वगैरह डिफरेंट किस्म की, ठीक है, वेस्टर्न स्कर्ट्स वगैरह किड्स के बारे में, ठीक है, जो किड्स के कपड़े वगैरह हैं उसके लिए ये फैशन शो किया जा रहा था, ताकि थोड़ा सा हाव नो हो लोगों को। हम नए टैलेंट को आगे करेंगे तो कल को हमें एक अच्छा रिजल्ट शो होगा, ठीक। तो इसी वजह से मैं तो कहता हूँ कि नया टैलेंट हमारे यहाँ पर आगे आना चाहिए। ये देखें जो है वो समझता हूँ कि हमारे जो फ्रस्ट्रेशन है कल्चर के अंदर हमारे माशरे में, ये मैं समझता हूँ इस तरह के इवेंट जो है वो बहरहाल किसी हद तक जो रिलीफ देते हैं पब्लिक को, क्योंकि जिस तरह लोग जो है आपको पता है जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो उसके अंदर मेरे ख्याल इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे माशरे के लिए जो है बहरहाल जो है वो बेहतर है, अच्छा होनी चाहिए इस तरह से। पहले तो ये फैशन शो इस्लामाबाद में हो रहा है और वन ऑफ द बेस्ट फैशन शोज मैं इसको कहूँगा, और मंसूर राजपूत का मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ग्रूम की मैंने थीम पहनी हुई है, और ग्रूम और ब्राइड का ये बेसिकली ओवरऑल जो थीम चल रहा है उनका, तो जैसे आप देख रहे हैं ग्रूम के ज़्यादा थीम्स हैं। मैंने पहली बार फैशन शो अटेंड किया, वैसे मैं ये फैशन शो मैंने कभी अटेंड नहीं किया, लेकिन आज मैं आई हूँ यहाँ पर, जो कलेक्शन मैंने देखी है वो बहुत ही अच्छी है, और जो किड्स की कलेक्शन वो भी पसंद आई, और जो ब्राइडल कलेक्शन इनकी है उसमें थोड़ी सी यूनिकनेस भी है, और न्यू जो यूनिकनेस है वो भी बहुत अच्छी है, और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। मेरा नाम महा कुरैशी और मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ, और यहाँ जो है मुझे फ्रेश स्टाइल प्रोडक्शन और ऐसे इवेंट्स इन पीआर की तरफ से जो है इनवाइट आया था, और मैंने जो है वो फैशन शो फर्स्ट टाइम लाइक मैं अटेंड करती हूँ, लेकिन बहुत रेयर, एंड यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत जो है वो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं, कलेक्शन बहुत अच्छी है, और हमारा न्यू टैलेंट जो है उसके लिए हमारे फैशन से रिलेटेड जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इसमें इनोवेशन हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी मॉडल, कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे शो के बारे में? फर्स्ट टाइम रैंप वॉक किए कि नहीं? फर्स्ट टाइम। तो कैसे लगे आपको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। अकेली आई है और सहेलियां भी थी आपके साथ? सहेलियां भी थी। मंसूर साहब को तो वैसे भी हम देखते रहते हैं, मंसूर साहब के बहुत ही अच्छे ड्रेसेस होते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा भी, इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। मैंने काफ़ी टाइम के बाद किसी इवेंट्स में मैं आई हूँ और बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे तो पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी काम नहीं है, टैलेंट यहाँ से निकलेगा तो यहीं पे बैठेगा, इतने टाइम से तो हम यही देखते आए हैं। हाँ, अगर वो कराची या लाहौर वाली साइड पे, लाहौर में इतना काम नहीं है, ये कि कराची वाली साइड पे है कि अगर वो जाएंगे तो काफ़ी टाइम हो गया हम लोग देख रहे हैं कि यहीं पे स्टार बनते हैं, यहीं पे स्टार ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में कोई भी काम नहीं है, जब काम होगा तो फिर देखेंगे। Hello.
हमारे कुछ डिज़ाइनर बाहर से हमने स्पेशल बुलाए हुए हैं, दुबई से बुलाए हैं हमने, और उनके आपने ड्रेसेस भी देखे हैं और माशाल्लाह उनके ड्रेसेस बहुत अच्छे हैं और डिफरेंट। उसके अलावा क्योंकि अभी सर्दी का सीज़न आ रहा है, विंटर आ रहा है, तो हम लोग ने ब्राइडल कलेक्शन रखी है और मंसूर राजपूत के कलेक्शन थे जिसमें उनके दुल्हन और दूल्हे दोनों के हैं, ब्राइड और ग्रूम के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। और बच्चों का स्पेशल हमने एक रैंप रखा था जिसमें न्यू टैलेंट को हमने रखा था। और दूसरा जो है ऑर्गेनाइज़र हमारे क्योंकि न्यू हैं उस्मान मीर, तो जस्ट वो ये एक प्लेटफॉर्म फ्राहम कर रहे थे कि न्यू टैलेंट को किस तरह प्रमोट करें और उनको एक जिस प्लेटफॉर्म दिया है। और आप देख रहे हैं कि शो माशाल्लाह हमारी फैमिलीज आई हैं, बहुत ज़्यादा फैमिलीज आई हैं, तो शो की मतलब यही ज़्यादा पॉपुलरिटी होती है जब फैमिलीज आती है। और दूसरा ये है कि कलेक्शन आपने देख लिए, ज्वेलरी है उबैद की, ज्वेलरी है उबैद यंग टैलेंट है और माशाल्लाह उसकी बहुत वैरायटी है ज्वेलरी में। और यानी कि हम दिखाना चाह रहे थे बच्चे बड़े यंग और ये सब जो है ना इस शो में हमने कलेक्ट किए हैं। और मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, और आपका ही प्लेटफॉर्म होता है जिसके ज़रिए मतलब हमारी बात आगे तक लोगों तक पहुंचती है, और ये बहुत अच्छा मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से हमारा फैशन जो है ना सारी मतलब आवाम देखता है और हमारे शो को पॉपुलरिटी मिलती है। वंस अगेन आपका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाइटेड नहीं है ना मॉडल्स, तो उसमें यह है कि बॉडी लैंग्वेज भी इनकी इतनी अच्छी नहीं है, तो मॉडल्स की कलेक्शन में इनको ध्यान रखना चाहिए। ये शो बहुत आउट क्लास हुआ है, वैसे भी बहुत शो में हम जाते रहते हैं, पहले तो ऑडियंस कम थी लेकिन जब ऑडियंस के बैठने की भी जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा ऑडियंस आई है और ये शो बहुत ज़्यादा आउट क्लास हुआ है इस बार। कलेक्शन तो काफ़ी अच्छी है और न्यू टैलेंट अभी उनको थोड़ा सा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। आई थिंक मॉडल की लुक वो नहीं है जो होनी चाहिए, फीमेल्स भी और कुछ मेल्स भी, नए लोगों के अलावा पुराने लोग होने चाहिए जो कि एज अ रोल मॉडल हूँ और नए लोग उनको देख के फिर वैसे एक्ट करें। बहुत से लोगों को वॉक नहीं करनी आ रही, आई एम सॉरी टू से, लड़कों को भी मैं देख रही थी कुछ लोग ऐसे चल रहे थे जैसे कैजुअल से भी ज़्यादा कैजुअल। बहुत अच्छा है और पिंडी इस्लामाबाद में ऐसे शो होना चाहिए, इससे मॉडल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है और माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा था। इवेंट ऑर्गेनाइज़र साहब उस्मान मेहर ने करवाया, उसके बाद फ्रेंड है, सब कुछ बहुत अच्छा था। आज मुशी अच्छी फ्रेंड है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, इवेंट सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज है। इस्लामाबाद में बेसिकली तो होते ही रहते हैं इवेंट्स और मोस्टली होते ही रहते हैं और मॉडल्स भी क्या आती रहती है, जी आती रहती है, तो अच्छा हो रहा है हमारे हिसाब से, तो बहुत ही अच्छा हो रहा है, न्यू टैलेंट सामने आ रहा है और ठीक है चलते रहे ऐसे। वर्क तो बहुत अच्छी थी, कलेक्शन जितनी भी थी सबकी बहुत अच्छी थी, ब्राइडल्स भी काफ़ी अच्छी थी, मॉडल्स तो बहुत ही अच्छी थी, तो आई थिंक इट्स बेटर देन, सब कुछ बहुत अच्छा था। एक ही बात खत्म नहीं कहा मैंने, तीन लोगों ने किया वो नजर आ रही है और हम चाहते हैं कि इस तरह के इवेंट्स वगैरह होने चाहिए पिंडी इस्लामाबाद में। हाँ बहुत अच्छी कलेक्शन थी और ब्राइडल्स की बहुत ही ज़बरदस्त थी, और वैसे हम लोगों के लिए जो है वो स्पेशली ब्राइडल्स की अच्छी और ज्वेलरी बहुत अच्छी, जो ज्वेलरी थी वो बहुत प्यारी थी और प्लस जो ब्राइडल के साथ साथ ब्राइड ग्रूम्स के लिए जो ड्रेसेस थे वो कमाल थे। जो उबैद नासिर है ज्वेलरी जिनकी रिवाइवल ज्वेलर्स है, वो बहुत अच्छी ड्रेसिंग थी, उसके बाद उसकी ज्वेलरी अच्छी थी, जो ड्रेसिंग है सच ऑफ माइंड ब्लोइंग इवेंट, ऐसे इस्लामाबाद में इवेंट होने चाहिए। एंड न्यू टैलेंट्स के लिए हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई आप लड़कों को क्यों प्रमोट करते हैं, लड़के का बाजू नहीं ठीक है, हालती सही है, बाल नहीं ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक मॉडल है उसको बनने का अगर शौक है तो उसको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, हमारी एजेंसी उनको ग्रूम करती है। ये होस्ट हैं, ये स्पेशल अटक से आई हैं और ये बैंक में जॉब करती हैं, और मैं बैंक का नाम नहीं लूँगा, बैंक वालों को प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, सो उसकी वजह से ये स्पेशल शी केम टू इस्लामाबाद और माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रही है वो, क्या कहना चाहिए?
name is Rushi and that's my first fashion show and music by Razisha and I am very happy to, and very excited to this show. That's a good platform to promote the new channel and promote the new talent.